अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें तो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर एक, खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। प्रश्न नंबर दो, राजस्थान का लोह खनिज उत्पादन में भारत में स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चतुर्थ। प्रश्न नंबर तीन, राजस्थान के कितने प्रतिशत खनिजों का उत्पादन करता है? ऑप्शन ए 12%, ऑप्शन बी 17%, ऑप्शन सी 22%, ऑप्शन डी 35%। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 22%। प्रश्न नंबर चार, राज्य खान एवं भू विज्ञान विभाग स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उदयपुर। प्रश्न नंबर पांच, राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 30 मार्च 1971, ऑप्शन बी 30 अक्टूबर 1974, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1973, ऑप्शन डी 30 जुलाई 1972। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 30 अक्टूबर 1974। प्रश्न नंबर छह, राज्य की प्रथम खनिज नीति कब लागू हुई? ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन डी 1978, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1982। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1978। प्रश्न नंबर सात, सीसा जस्ता का अयस्क है? ऑप्शन ए गेलेना, ऑप्शन बी वुल्फोमाइट, ऑप्शन सी हेमेटाइट, ऑप्शन सी मैग्नेटाइट। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गेलेना। प्रश्न नंबर आठ, सीसा जस्ता के नए भंडार कहाँ मिले? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी करौली। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अजमेर। प्रश्न नंबर नौ, एशिया का सबसे बड़ा जिंक लिमिटेड स्थित है? ऑप्शन ए चंदेरिया, ऑप्शन बी देबारी, ऑप्शन सी जावर, ऑप्शन डी मगरा। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चंदेरिया चित्तौड़ में, और यह है 1966 में ब्रिटेन द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 10, सर्वाधिक शीशे जस्ते का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए जावर, ऑप्शन बी रामपुरा गुचा, ऑप्शन सी मोरिजा मानोल, ऑप्शन डी खेतड़ी। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जावर। प्रश्न नंबर 11, भारत की शीशे जस्ते की सबसे बड़ी भूमिगत खान स्थित है? ऑप्शन ए प्रतापगढ़, ऑप्शन सी बी राजसमंद, ऑप्शन सी गंगानगर, ऑप्शन डी हनुमानगढ़। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राजसमंद। प्रश्न नंबर 12, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान मिली? ऑप्शन ए राणा लाखा, ऑप्शन डी राणा कुंभा, ऑप्शन सी कुंवर चूड़ा, ऑप्शन डी अमर सिंह। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राणा लाखा। प्रश्न नंबर 13, सबसे उत्तम किस्म का लोहा है? ऑप्शन हेमेटाइट, ऑप्शन डी मैग्नेटाइट, ऑप्शन सी सीडेराइट, ऑप्शन डी कोई नहीं। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मैग्नेटाइट, इसे काला लोहा भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 14, राजस्थान में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नेटाइट, ऑप्शन डी हेमेटाइट, ऑप्शन सी दोनों सही, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हेमेटाइट। हेमेटाइट लोहे का 75% मोरिजा बानोल में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में लोहे के भंडार कहाँ से मिले? ऑप्शन ए हमीरगढ़, ऑप्शन बी किशनगढ़, ऑप्शन सी सीतापुर, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ए हमीरगढ़ भीलवाड़ा से। प्रश्न नंबर 16, लोहे का पहला परीक्षण षड्यंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन डी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी भीलवाड़ा, ऑप्शन डी जयपुर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भीलवाड़ा। प्रश्न नंबर 17, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1967, ऑप्शन डी 1970। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1967 में खेतड़ी में हुई थी अमेरिका के सहयोग द्वारा। प्रश्न नंबर 18, तांबे की सबसे बड़ी खान स्थित है? ऑप्शन ए चंदेरिया, ऑप्शन बी देबारी, ऑप्शन सी खेतड़ी, ऑप्शन डी ब्यावर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी खेतड़ी। प्रश्न नंबर 19, तांबा उत्पादन में
राजस्थान का भारत में स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरा, जबकि प्रथम स्थान झारखंड का है। प्रश्न नंबर 20, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध खान है? ऑप्शन ए शांचौर, ऑप्शन बी जालौर, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी अजमेर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नागौर का डेगाना क्षेत्र। प्रश्न नंबर 21, सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए प्रतापगढ़, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी बांसवाड़ा। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बांसवाड़ा। प्रश्न नंबर 22, ताम्र खनिज को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए गार्नेट, ऑप्शन बी लाल मणि, ऑप्शन सी रक्त मणि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 23, तांबड़ा का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए राजमहल, ऑप्शन बी सरवाड़ा, ऑप्शन डी कल्याणपुरा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 24, किस खनिज को हरी अग्नि भी कहते हैं? ऑप्शन ए पन्ना, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी जिप्सम, ऑप्शन डी संगमरमर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पन्ना। प्रश्न नंबर 25, पन्ना की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी जयपुर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जयपुर। प्रश्न नंबर 26, राजस्थान में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन ए करौली, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी राजसमंद, ऑप्शन डी उदयपुर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रतापगढ़ का केशवपुरा क्षेत्र। प्रश्न नंबर 28, किस खनिज का उपयोग पीओपी बनाने में किया जाता है? ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन डी जिप्सम, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जिप्सम। प्रश्न नंबर 29, भारत में हीरे के सर्वाधिक भंडार मिले? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 30, सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए जालौर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी उदयपुर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नागौर का गोट मांगलोद का क्षेत्र। प्रश्न नंबर 31, जिप्सम की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए खेतड़ी, ऑप्शन बी जामसर, ऑप्शन सी किशनगढ़, ऑप्शन डी हमीरगढ़। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जामसर बीकानेर में। प्रश्न नंबर 32, सफेद सोने के रूप में प्रसिद्ध स्थान है? ऑप्शन ए हनुमानगढ़, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी गंगानगर, ऑप्शन डी उदयपुर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गंगानगर। प्रश्न नंबर 33, राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर पाया जाता है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी राजसमंद, ऑप्शन सी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी डी झालावाड़। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजसमंद। प्रश्न नंबर 34, सर्वश्रेष्ठ संगमरमर पाया जाता है? ऑप्शन ए मकराना, ऑप्शन बी किशनगढ़, ऑप्शन सी डेगाना, ऑप्शन डी ऋषभदेव। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मकराना। प्रश्न नंबर 1, किस खनिज को माइक्रा नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए अभ्रक, ऑप्शन बी फेल्सपार, ऑप्शन सी कैल्साइट, ऑप्शन डी तांबा। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अभ्रक। प्रश्न नंबर 2, अभ्रक उत्पादन में राजस्थान का स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तीसरा, जबकि प्रथम स्थान बिहार का और दूसरा आंध्र प्रदेश का है। प्रश्न नंबर 3, सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन होता है? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी भीलवाड़ा, ऑप्शन डी जयपुर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को अभ्रक सिटी के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 4, सफेद अभ्रक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रूबी, ऑप्शन बी बायोटाइट, ऑप्शन सी बिस्मिथ, ऑप्शन डी माइकेनाइट। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रूबी। प्रश्न नंबर 5, फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी करौली। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अजमेर। प्रश्न नंबर 6,
सर्वाधिक कैल्साइट पाया जाता है? ऑप्शन ए सीकर में, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी धौलपुर, ऑप्शन डी जयपुर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सीकर में। प्रश्न नंबर 7, सर्वाधिक वर्मिक्यूलाइट कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी भीलवाड़ा, ऑप्शन डी अजमेर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अजमेर। प्रश्न नंबर 8, सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट पाया जाता है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन डी जयपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी अलवर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उदयपुर के झामर कोटड़ा में। प्रश्न नंबर 9, मुल्तानी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी जोधपुर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बाड़मेर। प्रश्न नंबर 10, सर्वाधिक सोना का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी भीलवाड़ा, ऑप्शन डी राजसमंद। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बांसवाड़ा के आनंदपुर बुकिया में। प्रश्न नंबर 11, यूरेनियम के भंडार कहाँ से मिले? ऑप्शन ए उमरा उदयपुर, ऑप्शन बी आमेट राजसमंद, ऑप्शन सी नीम का थाना, ऑप्शन डी जामसर बीकानेर में। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उमरा उदयपुर से। प्रश्न नंबर 12, पोटाश उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी जयपुर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बीकानेर। प्रश्न नंबर 13, किस खनिज को लाई मस्टोन नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी सैंडस्टोन, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी कोई नहीं। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चूना पत्थर। प्रश्न नंबर 14, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध स्थान है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी लाखेरी, ऑप्शन सी जालौर, ऑप्शन डी बालोतरा। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाखेरी बूंदी में। प्रश्न नंबर 15, स्टील ग्रेड का लाइमस्टोन पाया जाता है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी उदयपुर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जैसलमेर के सानू क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 16, केमिकल ग्रेड का लाइमस्टोन पाया जाता है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी उदयपुर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जोधपुर। प्रश्न नंबर 17, सलेटी पत्थर कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी धौलपुर, ऑप्शन डी करौली। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अलवर। प्रश्न नंबर 18, सर्वाधिक मैग्नेसाइट पाया जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी अलवर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अजमेर। प्रश्न नंबर 19, बोल कले एवं फायर कले का संबंध है? ऑप्शन ए जयपुर से, ऑप्शन बी जोधपुर से, ऑप्शन सी बीकानेर से, ऑप्शन डी उदयपुर से। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बीकानेर से। प्रश्न नंबर 20, ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी जालौर, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी कोटा। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जालौर में। अगर दोस्तों आपकी हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न नंबर 21, सैंडस्टोन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन ए धौलपुर, ऑप्शन बी करौली, ऑप्शन सी बूंदी, ऑप्शन डी सिरोही। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धौलपुर। प्रश्न नंबर 22, राजस्थान में किस किस्म का कोयला पाया जाता है? ऑप्शन ए लिग्नाइट, ऑप्शन बी बिटुमिनस, ऑप्शन सी पीट, ऑप्शन डी उपयोग सभी। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला बुरा कोयला भी होता है और ये बाड़मेर में सर्वाधिक पाया जाता है। अब आपको कमेंट में बताना है कि किस कोयले में सर्वाधिक कार्बन की मात्रा होती है। प्रश्न नंबर 23, विश्व का सर्वश्रेष्ठ कोयला पाया जाता है? ऑप्शन ए पलाना, ऑप्शन बी कपूरडी, ऑप्शन सी जालिपा, ऑप्शन डी गिरल। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पलाना बीकानेर में। प्रश्न नंबर 24, तेल वह प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार मिले? ऑप्शन ए जोधपुर से, ऑप्शन बी जयपुर से, ऑप्शन सी उदयपुर से, ऑप्शन डी बाड़मेर से।
बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाड़मेर से। प्रश्न नंबर 25, राजस्थान का सोम का गैस आधारित बिजली घर स्थित है। ऑप्शन ए अंतारा, ऑप्शन बी रामगढ़ जैसलमेर, ऑप्शन सी पलाना बीकानेर, ऑप्शन डी सीतापुरा जयपुर। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रामगढ़ जैसलमेर में। प्रश्न नंबर 26, राजस्थान का पहला गैस आधारित बिजली घर स्थित है। ऑप्शन ए अंतारा, ऑप्शन बी रामगढ़ जैसलमेर, ऑप्शन सी पलाना बीकानेर, ऑप्शन डी सीतापुरा जयपुर। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अंतारा। प्रश्न नंबर 27, जासपर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी उदयपुर। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जोधपुर। प्रश्न नंबर 28, मांडो की पाल डूंगरपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी फ्लोराइट, ऑप्शन डी लाइमस्टोन। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्लोराइट। प्रश्न नंबर 29, रासायनिक उर्वरक बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए जिप्सम, ऑप्शन बी रॉक फॉस्फेट, ऑप्शन सी पायराइट, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 30, बायो टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना कहाँ की गई। ऑप्शन ए किशनगढ़, ऑप्शन बी ब्यावर, ऑप्शन सी सीतापुरा, ऑप्शन डी रामगढ़। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सीतापुरा जयपुर में। प्रश्न नंबर 31, गिया पत्थर राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए देवपुरा उदयपुर में, ऑप्शन बी ब्यावर अजमेर में, ऑप्शन सी सीतापुरा जयपुर में, ऑप्शन डी रामगढ़ जैसलमेर में। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए देवपुरा उदयपुर में। प्रश्न नंबर 32, प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार मिले। ऑप्शन ए मनिहारी टिब्बा, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी जालिपा, ऑप्शन डी ऋष्वदेव। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मनिहारी टिब्बा जैसलमेर से। प्रश्न नंबर 33, बांदर सिंदरी स्थान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बेरिलियम, ऑप्शन बी पोटास, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी जिप्सम। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेरिलियम। बांदर सिंदरी स्थान सिरोही में स्थित है। प्रश्न नंबर 34, राजस्थान में शीशा जस्ता की रामपुरा अगुचा की खाने किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी भीलवाड़ा, ऑप्शन डी झुंझुनू। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भीलवाड़ा। प्रश्न नंबर 35, जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए विख्यात है। ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी शीशा जस्ता, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी यूरेनियम। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शीशा जस्ता। लोह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रथम। प्रश्न नंबर 2, किस खनिज का प्रयोग सीमेंट की छत व चदरे पाइप बनाने में किया जाता है। ऑप्शन ए मैग्नेसाइट, ऑप्शन बी वर्मिकुलाइट, ऑप्शन सी फेल्सपार, ऑप्शन डी एस्बेस्टोस। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एस्बेस्टोस। प्रश्न नंबर 3, जैसलमेर का सादेवाला नामक स्थान किस के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए गोरनेट, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी गैलेना, ऑप्शन डी पेट्रोल। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पेट्रोल। प्रश्न नंबर 4, खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का किस राज्य के उपरांत दूसरा स्थान है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी झारखंड। प्रश्न नंबर 5, खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी चतुर्थ, ऑप्शन डी पंचम। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पांचवा। प्रश्न नंबर 6, खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा भाग समृद्ध है। ऑप्शन ए मध्य राजस्थान, ऑप्शन बी पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन सी अरावली पर्वतीय प्रदेश, ऑप्शन डी पूर्वी राजस्थान। बात करें इसके राइट आंसर की, तो
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरावली पर्वतीय क्षेत्र। प्रश्न नंबर 7, राजस्थान में खनिजों का कौन सा प्रकार पाया जाता है? ऑप्शन ए धात्वी, ऑप्शन बी अधात्वी, ऑप्शन सी खनिज ईंधन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किस खनिज पर अग्नि का प्रभाव नहीं होता? ऑप्शन ए में वर्मिकुलाइट, ऑप्शन बी वोलस्टोनाइट, ऑप्शन डी चाइना क्लाय, ऑप्शन डी क्वार्ट्जाइट। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्मिकुलाइट। प्रश्न नंबर 9, किस खनिज का प्रयोग कांच व मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता है? ऑप्शन ए फेल्सपार, ऑप्शन बी अब्रक, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी गोर्नेट। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फेल्सपार। प्रश्न नंबर 10, किस खनिज का प्रयोग रबर उद्योग में किया जाता है? ऑप्शन ए बेराइट्स, ऑप्शन बी बोंटोनाइट, ऑप्शन सी फेल्सपार, ऑप्शन डी लिग्नाइट। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेराइट्स। प्रश्न नंबर 11, टेलकम पाउडर बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए घिया पत्थर, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी सिलिका, ऑप्शन डी क्वार्ट्जाइट। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए घिया पत्थर। प्रश्न नंबर 12, किस खनिज का प्रयोग प्रमुख रूप से उर्वरक उद्योग में किया जाता है? ऑप्शन ए गोर्नेट, ऑप्शन डी जिप्सम, ऑप्शन सी डोलोमाइट, ऑप्शन डी फायर क्ले। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जिप्सम। प्रश्न नंबर 13, भीलवाड़ा में स्थित रामपुर आगुचा किस खनिज के उत्पादन के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए शीशा जस्ता, ऑप्शन डी चांदी, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी मैग्नेसाइट। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शीशा जस्ता के लिए। प्रश्न नंबर 14, डूंगरपुर में स्थित मांडो की पाल किस खनिज उत्पादन के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए पायराइड्स, ऑप्शन डी रॉक फॉस्फेट, ऑप्शन सी फ्लोरस्पार, ऑप्शन डी गेरू। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्लोरस्पार के लिए। प्रश्न नंबर 15, हर्सोट किस खनिज को कहा जाता है? ऑप्शन ए जिप्सम, ऑप्शन डी रॉक फॉस्फेट, ऑप्शन सी तांबड़ा, ऑप्शन डी बोंटोनाइट। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जिप्सम। प्रश्न नंबर 16, सीसा व जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ की खादानों से किया जाता है? ऑप्शन ए जावर से, ऑप्शन बी शिकारबाड़ी से, ऑप्शन डी सी डेगाना बाखरी से, ऑप्शन डी देबारी से। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जावर उदयपुर से। प्रश्न नंबर 17, राजस्थान में सोने की एकमात्र खान स्थित है? ऑप्शन ए बेणेश्वर डूंगरपुर, ऑप्शन बी देवारी उदयपुर, ऑप्शन सी केशरपुरा प्रतापगढ़, ऑप्शन डी आनंदपुर मुखिया बांसवाड़ा से। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आनंदपुर मुखिया बांसवाड़ा से। प्रश्न नंबर 18, प्रतापगढ़ का केशरपुरा नामक किस खनिज के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए पन्ना, ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी अभ्रक। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हीरा। प्रश्न नंबर 19, उदयपुर का झामर कोटड़ा नामक स्थान किस खनिज के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए फेल्सपार, ऑप्शन बी रॉक फॉस्फेट, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी तांबा। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रॉक फॉस्फेट। प्रश्न नंबर 20, जयपुर का बैसलाना किस खनिज संगमरमर उत्पादन के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए पीला संगमरमर, ऑप्शन बी हरा संगमरमर, ऑप्शन सी काला संगमरमर, ऑप्शन डी सफेद संगमरमर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी काला संगमरमर के लिए। प्रश्न नंबर 21, रमकड़ा उद्योग किस खनिज के पर आधारित है? ऑप्शन ए बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी संगमरमर, ऑप्शन सी घिया पत्थर, ऑप्शन डी चूना पत्थर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी घिया पत्थर। प्रश्न नंबर 22, संगमरमर की मंडी के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी मकराना, ऑप्शन सी किशनगढ़, ऑप्शन डी बीकानेर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी किशनगढ़। प्रश्न नंबर 23, जैसलमेर जिले की गोठारू नामक स्थान किस खनिज के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस के लिए, ऑप्शन बी पेट्रोलियम के लिए, ऑप्शन सी कोयला के लिए, ऑप्शन डी बॉक्साइट के लिए। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्राकृतिक
गैस के लिए। प्रश्न नंबर 24, ग्रेनाइट के सर्वाधिक उत्पादन के लिए राजस्थान का कौन सा जिला विख्यात है? ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी जालौर, ऑप्शन डी जैसलमेर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जालौर। प्रश्न नंबर 25, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1950, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1979, ऑप्शन सी 1 नवंबर 1989, ऑप्शन डी 2 नवंबर 1969। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 नवंबर 1979। प्रश्न नंबर 26, अब्रक की ईटे बनाने का उद्योग कहाँ विकसित किया गया? ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भीलवाड़ा। प्रश्न नंबर 27, बोंटोनाइट राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन भीलवाड़ा, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी गंगानगर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाड़मेर। प्रश्न नंबर 28, फेल्सपार शुद्धिकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी राजसमंद। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डूंगरपुर। प्रश्न नंबर 29, जैसलमेर का किस स्थान पर प्राकृतिक गैस का उत्पादन नहीं होता? ऑप्शन ए तनोट, ऑप्शन बी गोटारू, ऑप्शन सी मनियारी टिब्बा, ऑप्शन डी सानू। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सानू क्षेत्र जैसलमेर। प्रश्न नंबर 30, गोरनेट तांबड़ा उत्पादन किस जिले का प्रथम स्थान है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी टोंक, ऑप्शन डी पाली। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टोंक। प्रश्न नंबर 31, बाड़मेर के गिरल क्षेत्र में किस खनिज की खोज हुई? ऑप्शन ए खनिज तेल, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी कोयला। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोयला। प्रश्न नंबर 32, जस्ता गलाने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन ए चंदेरी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी देवारी उदयपुर, ऑप्शन सी जावर उदयपुर, ऑप्शन डी भिवाड़ी अलवर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जावर उदयपुर में। प्रश्न नंबर 33, किस खनिज पर राजस्थान का एकाधिकार है? ऑप्शन ए जास्पर एवं वोलेस्टोनाइट, ऑप्शन बी जस्ता एम फ्लोराइट, ऑप्शन सी एस्बेटम एम सोपस्टोन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 34, पायराइड्स नामक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए चंदेरी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी जगतपुर उदयपुर, ऑप्शन सी शलादीपुर सीकर, ऑप्शन डी कौशल बाड़मेर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शलादीपुर सीकर। प्रश्न नंबर 35, यह आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, एलोह धातु उत्पादन व मूल्य की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रथम। प्रश्न नंबर 1, शीशे जस्ते का अयस्क कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए गैलेना, ऑप्शन बी केलमाइन, ऑप्शन सी जिंकाइट, ऑप्शन डी हेमाटाइट। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हेमाटाइट। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा राज्य जिंक का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी कर्नाटक। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। प्रश्न नंबर 3, चंदेरिया शीशा जस्ता प्लांट स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी राजसमंद, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान में वर्मिक्यूलाइट कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी जैसलमेर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अजमेर। प्रश्न नंबर 5, राजमहल टोंक खान संबंधित है? ऑप्शन ए सोना से, ऑप्शन बी चांदी से, ऑप्शन सी तांबड़ा से, ऑप्शन डी पन्ना से। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तांबड़ा से। प्रश्न नंबर 6, वालदा सिरोही
किस खनिज का क्षेत्र स्थान है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी बेरिलियम। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टंगस्टन। प्रश्न नंबर 7, राजस्थान का धवला सिंगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी सोना। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लोहा। प्रश्न नंबर 8, नाथरा की पाल की खान किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी बाड़मेर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उदयपुर। प्रश्न नंबर 9, नाथरा की पाल खनिज किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लोहे के लिए, ऑप्शन बी रॉक फॉस्फेट, ऑप्शन सी टंगस्टन के लिए, ऑप्शन डी तांबे के लिए। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लोहे एस के लिए। प्रश्न नंबर 10, काला गुमान और तीखी क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? ऑप्शन ए गिया पत्थर, ऑप्शन बी गोरनेट, ऑप्शन सी कैल्साइट, ऑप्शन डी पन्ना। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पन्ना। प्रश्न नंबर 11, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए मंगला, ऑप्शन बी भाग्यम, ऑप्शन सी तनोट, ऑप्शन डी ऐश्वर्या। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तनोट। प्रश्न नंबर 12, कौन सा राजस्थान के तेल क्षेत्र का नाम नहीं है? ऑप्शन ए ऐश्वर्या, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी लक्ष्मी, ऑप्शन डी रागेश्वरी। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लक्ष्मी। प्रश्न नंबर 13, राजस्थान पेट्रोजोन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी बाड़मेर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बाड़मेर। प्रश्न नंबर 14, चांदमारी तांबर परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी झुंझुनू, ऑप्शन डी पाली। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी झुंझुनू। प्रश्न नंबर 15, राजस्थान में गोलिये व हनौतिया में भंडार है तांबे के? ऑप्शन बी चांदी के, ऑप्शन सी टंगस्टन के, ऑप्शन डी मैगनीज के। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तांबे के। प्रश्न नंबर 16, राजस्थान का खोदरीबा क्षेत्र किस खनन से जुड़ा है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी मैगनीज, ऑप्शन सी शीजा, ऑप्शन डी तांबा। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तांबा। प्रश्न नंबर 17, राजस्थान उत्पादन में अपना एकाधिकार रखता है? ऑप्शन ए वोलेस्टोनाइट, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी रॉक फॉस्फेट, ऑप्शन डी अब्रक। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वोलेस्टोनाइट। प्रश्न नंबर 18, पचपदरा किस खनिज का महत्वपूर्ण उत्पादक है? ऑप्शन ए बोराइट्स, ऑप्शन बी नमक, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी फ्लोराइट। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नमक। प्रश्न नंबर 19, कौन सा एक धातु खनिज नहीं है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी क्रोमाइट, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी अभ्रक। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रोमाइट। प्रश्न नंबर 20, कौन सा जिला बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है? ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी नागौर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बाड़मेर। प्रश्न नंबर 21, राजस्थान का एकमात्र जिला जहां पायराइट के भंडार है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी राजसमंद, ऑप्शन सी सीकर, ऑप्शन डी अलवर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजसमंद। प्रश्न नंबर 22, राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी डूंगरपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बांसवाड़ा। प्रश्न नंबर 23, गुलाबी मार्बल कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी जालौर, ऑप्शन डी बीकानेर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जालौर। प्रश्न नंबर 24, लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए शीशाजस्ता खान, ऑप्शन बी चूना पत्थर खान, ऑप्शन सी जिप्सम खनन, ऑप्शन डी अभ्रक खनन। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चूना पत्थर खनन के लिए। प्रश्न नंबर 25, उद्योग विभाग का
नाम बदलकर वाणिज्य विभाग कब किया गया? ऑप्शन ए 17 अगस्त 2021, ऑप्शन बी 19 अगस्त 2021, ऑप्शन सी 21 अगस्त 2021, ऑप्शन डी 27 अगस्त 2023। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 19 अगस्त 2021। प्रश्न नंबर 26, मिशन निर्यातक बनो योजना की शुरुआत कब की हुई? ऑप्शन ए 29 जुलाई 2021, ऑप्शन बी 23 अगस्त 2022, ऑप्शन सी 27 दिसंबर 2022, ऑप्शन डी 7 जनवरी 2023। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 29 जुलाई 2021। प्रश्न नंबर 27, उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता कौन सी पंचवर्षीय योजना से मिली? ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना से, ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना से, ऑप्शन सी 11वीं पंचवर्षीय योजना से, ऑप्शन डी 5वीं पंचवर्षीय योजना से। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। प्रश्न नंबर 28, किस पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय किया गया? ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी 5वीं, ऑप्शन डी 8वीं। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 8वीं। प्रश्न नंबर 29, राजस्थान में सर्वाधिक उद्योग स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जयपुर। प्रश्न नंबर 30, सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थित है? ऑप्शन ए ब्यावर, ऑप्शन बी किशनगढ़, ऑप्शन सी भिवाड़ी, ऑप्शन डी कैरानी। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भिवाड़ी। प्रश्न नंबर 31, पीपी मोड़ पर फ्लोरिकल्चर पार्क कहाँ बनेगा? ऑप्शन ए करौली, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी धौलपुर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अलवर। प्रश्न नंबर 32, दुनिया की सबसे बड़ी चटनी बनाने की इकाई स्थित है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी ब्यावर, ऑप्शन सी कैरानी, ऑप्शन डी बूंदी। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कहरानी। प्रश्न नंबर 33, जैव प्रौद्योगिक नीति कब लागू हुई? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2013, ऑप्शन बी 4 अक्टूबर 2015, ऑप्शन सी 6 अक्टूबर 2016, ऑप्शन डी 11 सितंबर 2021। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 अक्टूबर 2015। प्रश्न नंबर 34, सीमेंट उद्योग की सर्वाधिक संभावनाएं है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी जोधपुर। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जैसलमेर। प्रश्न नंबर 35, यह आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम सीमेंट उद्योग स्थित है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी सिरोही। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बूंदी। बूंदी में लाखेरी में स्थित है और इसकी स्थापना 1915 में हुई थी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना और शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हमने कला संस्कृति और पशु परिचर की सभी वीडियो अपने यूट्यूब की प्लेलिस्ट में डाल दिए, तो आप वहां से जाकर हमारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।